तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है सैमसंग का M01 कोर, जो कि काफ़ी ही चीप मोबाइल है, जिसके हाइलाइट्स आप लोग पीछे देख सकते हैं। 13.48 सेंटीमीटर की डिस्प्ले, कैमरा और 3000 mAh की बैटरी, 8 MP का रियर कैमरा और 5 का फ्रंट कैमरा, और 150 ग्राम का ये फ़ोन है। तो इसके हम जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में। तो ये सबसे पहले ऊपर की हमारा सैमसंग का फ़ोन पड़ा हुआ है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। और बॉक्स में आपको कंटेंट्स मिलते हैं, सिर्फ ये चार्जर और ये जो कि सिंपल USB वाला चार्जर है। और इसकी रेटिंग आप लोग चार्जर की देख सकते हैं, जो कि 3.5 वॉट्स का यहाँ पे चार्जर है, तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगने वाला है। और कुछ डब्बे में नहीं दिया जाता। और इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी पुस्तकें और ज्ञान छोटा वो निकल नहीं रहा। तो ऊपर की साइड हमें मिलता है थोड़े ज्ञान के कागज़, जो कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसे हम पहले ही साइड पे फेंक देते हैं। और यहाँ पे एक आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, जिसको हम निकाल लेते हैं। तो अब फ़ोन के हम स्क्रीन को धेड़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास सैमसंग का फ़ोन आ चुका है हाथों में। और आप इसके राइट साइड पे देख सकते हैं, ऊपर है वॉल्यूम और पावर लॉक बटन, और नीचे के साइड यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट और हमारा प्यारा दुलारा यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट 3.5 mm जैक के साथ। और पीछे की साइड आपको यार प्लास्टिक मिलेगी यहाँ पे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रेडियंट पर मिल रहा है, और नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग। ऊपर की साइड बिल्कुल क्लीन है, और इस साइड आपको सिम कार्ड स्लॉट मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही सिम कार्ड यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तीन सिम्स वगैरह डाल सकते हैं। और एक माइक्रो SD भी यहाँ पे स्लॉट में बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बांधी है ना फोन, तो अब यार हम फ़ोन को बूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैमसंग M01 कोर और पावर्ड बाय एंड्रॉयड गो एडिशन, यहाँ पे गो एडिशन के साथ ये फ़ोन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसको बूट कर लिया है और फ़ोन इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले ही इसे सेटअप कर लिया था, और यहाँ पे अब मैं इसे बूट कर लेता हूँ। और दोस्तों इसके पास हमारे पास आती है TFT डिस्प्ले, जिसके कलर्स की काफ़ी ही ज़्यादा ब्राइट हैं, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये कंप्लीट क्लीन UI के साथ आता है, जिसमें आपको कोई फालतू का ऐप नहीं मिलेगा, सिर्फ इतने ही प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं। और WhatsApp और YouTube मैंने बस इसमें भरा है, क्योंकि इसकी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 16 GB है, और इसकी स्टोरेज का भी आपको ऊपर से ही पता लग जाता है कि कितनी आपकी खाली है, कितनी रह चुकी है। और ये जो लेटेस्ट चलता है, ये लेटेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर पे चलता है, जो कि है Android 10। और अगर यार हम कैमरा की बात करें, तो कैमरा इसका पीछे वाला हमारे पास जो कि है वो है 8 MP पीछे वाला कैमरा, यार हमें इसका 8 MP का मिलता है, कोई ऑटो फोकस वगैरह नहीं है, फ्लैश। और इसमें इसको काफ़ी सिंपल रखा गया है, सिर्फ दो ही ऑप्शंस आपको मिलती हैं, एक फ़ोटो की और एक वीडियो की, और कोई ऑप्शन नहीं मिलती। और फ्रंट का कैमरा यहाँ पे काफ़ी ही 5 MP का है। और यार अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीडियो और साउंड क्वालिटी की। तो मैं अभी जल्दी से YouTube ओपन कर लेता हूँ, और कोई भी यहाँ पे वीडियो हम ऑन कर लेते हैं। अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें, तो यार डेफिनेटली काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी सही यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। और जैसा कि TFT डिस्प्ले है, तो उसमें ऐसे ही कलर्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं आपको 5000 में मिल सकते। और इसके बाद अगर हम साउंड की बात करें, तो साउंड साउंड क्वालिटी भी यार यहाँ पे बेहतरीन मिलने वाली है, काफ़ी तेज़ साउंड क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। तो यार इस फ़ोन से जो मैंने क्लिक किए हैं, मैं थोड़े से शॉर्ट्स यहाँ पे आपको अगले क्लिक में दिखा रहा हूँ।
तो यार चलते हैं आज की वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। जो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।